अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कलीमुल्ला फरहत और आप देख रहे हैं कलीम ऑटो यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको होंडा 125 बाइक का जब इंजन खोला जाता है कनेक्टर राड के लिए या फिर उसका किक स्प्रिंग चेंज करने के लिए, तो उसको गियर को किस तरह से संभल करना है ये हम आपको इस वीडियो में बताएँगे। तो सबसे पहले हमने ये किक स्पिंडल को उठाना है। किक स्पिंडल हमने पहले से इसको मुकम्मल किया हुआ है, हमने इस वीडियो में सिर्फ आपको गियर संभल का बताना है वो किस तरह से करना है। तो हमने किक स्पिंडल को पहले फिट करना है, ये इस तरह से इसकी फिटिंग होगी जी। तो दोस्तों ये देखें, ये किक स्पिंडल फिट हो चुका है। तो उसके बाद ये वाली गरारी, जो उनसी क्लच बक्से वाली गरारी होती है बड़ी अंदर शाफ्ट की, ये हम यहाँ पर रखेंगे इस तरह से। उसके बाद ये कदद वाशल होती है यहाँ पर, ये शाफ्ट है जिसमें क्लच बक्सा फिट होता है, ये वाशल हमने यहाँ पर ऐसे लगानी है। ये बड़ी वाशल रखेंगे अब हम, ये यहाँ पर रखी है ये देखें। उसके बाद ये वाली गरारी, इसके अंदर जो बुश होगा ये इस तरह से, ये हमने यहाँ पर लगा देना है। इसके ऊपर फिर एक वाशल आएगी, ये वाली वाशल हम यहाँ पर लगाएंगे, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद ये वाली गरारी रखेंगे हम, इसकी साइड में आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखें, ये वाली साइड रखेंगे ये इस तरह से। तो यहाँ पर भी एक बुश लगेगा, इसके ऊपर भी एक वाशल आएगी। तो ये फिंगर वाली गरारी, ये फिंगर वाली, ये वाली साइड हम यहाँ पर लगाएंगे। तो इसको ये गियर गुल्ले के साथ हमने लगा देना है। तो दूसरा फिंगर लगाएंगे अब हम, ये दूसरा फिंगर लग चुका है। तो अब हम ये वाली शाफ्ट लगाएंगे, ये वाली साइड, ये फिंगरों के दरमियान हमने ये लगा देना है इसको। तो ये वाली वाशल यहाँ पर आएगी, तो ये चौथे गियर वाली गरारी आ जाएगी इसके बाद। फिर ये वाली गरारी लगाएंगे हम, इसकी साइड होती है उल्टी सीधी। तो यहाँ पर एक अदद बुश आएगा, उसके बाद एक अदद वाशल आ जाएगी, उसके बाद यहाँ पर भी एक शाफ्ट पर वाशल आ जाएगी।